डियर स्टूडेंट, आपका स्वागत है केमिस्ट्री के एक इम्पॉर्टेंट वीडियो में। तो स्टूडेंट, ये वीडियो सेकंड केमिस्ट्री के एल्कोहल फिनॉल एवं ईथर का है, जिसमें मैं आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूँ। तो ये क्वेश्चन है बच्चों, फिनॉल अम्लीय क्यों होते हैं, यानी कि जो फिनॉल होते हैं वो एसिडिक क्यों होते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि ये आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार आ चुका है, तो आपके लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये वीडियो आप ध्यान से और लास्ट तक देखते रहें, क्योंकि ये कारण जो है बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसका कारण विथ रिएक्शन। तो अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। तो देखिए, हमारा क्वेश्चन क्या है कि फिनॉल अम्लीय क्यों होते हैं, ठीक है। तो इसका कारण हमें बताना है। तो अगर फिनॉल अम्लीय होते हैं तो हमें अगर फिनॉल के बारे में पता होना चाहिए कि फिनॉल का फार्मूला क्या होता है, ठीक है। तो हम फिनॉल का फार्मूला बनाते हैं, जैसा कि मैं आपको प्रीवियस वीडियो में बता भी चुका हूँ, तो इस वीडियो में भी हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो फिनॉल का फार्मूला बच्चों होता है, एक आप बेंजीन रिंग बनाइए और उसके ऊपर OH लगा दीजिए, ये आपका हो जाएगा फिनॉल। अब फिनॉल अम्लीय क्यों होते हैं, तो इसका अगर आपको पता लगाना है कि क्या कारण है, तो आप क्या कीजिए, इसी फिनॉल को H2O में रख दीजिए। अब H2O तो शायद आप लोग जानते होंगे क्या है, H2O है वाटर, ठीक है, जल है। तो सबसे पहले आप लीजिए फिनॉल, फिनॉल को जल में घोल दीजिए, तो इसका कारण क्या बनेगा इससे, ठीक है। तो इससे बनेगा क्या, सबसे पहले बनेगा इससे O-, यानी कि इसका नाम मैं भी आपको बताऊंगा, और बनेगा H+। अब आप लोग समझ गए होंगे कि फिनॉल अम्लीय क्यों होते हैं, ठीक है। तो इसका रीजन हम लोग देख लेते हैं नीचे कि ये अम्लीय क्यों होते हैं और ये इसका रिएक्शन क्या है। सबसे पहले आप फिनॉल लीजिए, उसको H2O में रखिए। अब यहां पर हम लोग नीचे लिख देते हैं कि ये क्या है, ये है बच्चों फिनॉल, ठीक है। ये तो आप लोग जानते ही होंगे H2O, ये है वाटर। और ये जो बच्चों O- लगा है बेंजीन रिंग पर, इसे हम लोग कहते हैं फिनॉक्साइड, फिनॉक्साइड आयन, ठीक है। और जो H+ है बच्चों, ये है H+ आयन। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अगर कोई भी कंपाउंड अम्लीय है, एसिडिक है, तो वो जो है H+ अगर जल में घोला जाए तो H+ वो मुक्त करेगा, ठीक है। अगर H+ आयन है तो समझ लीजिए वो जो कंपाउंड है वो एसिडिक है, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसका कारण भी पढ़ लेते हैं, जैसा कि आपको बोर्ड एग्जाम में कारण लिखना पड़ेगा। तो कारण क्या है बच्चों इसका, तो कारण है फिनॉल को जल में घोलने पर। जैसा कि मैंने यहां पर फिनॉल लिया और इसको जल में घोला, ठीक है, यानी कि जल में डाला, तो जल में घोलने पर H+ आयन यहां पर आप लोग देख सकते हैं, H+ आयन तथा फिनॉक्साइड आयन देता है। ये फिनॉक्साइड आयन है, H+ आयन देता है, जो अनुनाद के कारण अस्थायी होता है, यानी कि जो ये बनता है ये अस्थायी होता है, इसलिए फिनॉल अम्लीय होते हैं। यानी कि सिंपल रीजन आप लोग बता सकते हैं कि अगर हम फिनॉल को जल में घोलें तो वो फिनॉक्साइड आयन और H+ आयन देता है, तो जब H+ आयन देगा तो इसका मतलब वो क्या होगा, एसिडिक होगा। बहुत ही सिंपल सा है, आपको लेकर सिर्फ जल में घोल देना है। तो आशा करता हूं कि आपको ये कारण जो है फिनॉल अम्लीय क्यों होते हैं ये समझ में आ चुका होगा। तो हम लोग सिंपली एक बार दोबारा देख लेते हैं ताकि आप लोग अच्छे से माइंड में सेट कर सकें। तो देखिए, हमारा क्वेश्चन क्या था, फिनॉल अम्लीय क्यों होते हैं। तो फिनॉल का सबसे पहले हम लोगों ने स्ट्रक्चर बनाया, फिनॉल का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से होता है, ठीक है। उसके बाद हमने इसे क्या किया, जल में घोल दिया। अब इसका जो है वो अलग हो गया यहां पर, और H+ जो है अलग हो गया, यानी कि ये फिनॉक्साइड आयन बन गया, ये H+ आयन बन गया। तो इसका कारण क्या था कि फिनॉल को जल में घोला जब हमने, तो H+ आयन तथा फिनॉक्साइड आयन मिला, जिससे इसलिए क्या हुआ, फिनॉल अम्लीय, ठीक है। तो आशा करता हूं कि आपको ये जो रीजन है अच्छे से समझ में आ चुका होगा। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो हम लोग मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।